मुझे खुशी है आज कि आज सांसद जी अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इससे न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि जिस कार्यक्रम और जिन सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है उन सिद्धांत कार्यक्रमों को भी जमीन पे पहुंचाने के लिए हमारी मदद होगी। सहारनपुर बिल्कुल आखिरी जिला है जो दूर से चल करके आए हैं, यहाँ पहुंचे होंगे कई साथी तो रात भर चले होंगे। समाजवादियों की सरकार होती तो आपको इतना समय नहीं लगता। यहाँ पर कुछ साथियों को याद होगा जब मैं एक कार्यक्रम में वहां गया था तो मैंने यही कहा था कि आप लोग लखनऊ से जरूर दूर हैं, समय लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो ऐसी सड़क बना देंगे कि 4.5 घंटे में ही आप लखनऊ पहुंच जाओगे। हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन हम अपने सहारनपुर और उस प्रदेश के तमाम लोग उनको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाए थे जो देश के लिए उदाहरण बने हैं वैसा ही एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत किया था आने वाले समय में इसी लड़ाई को और आगे बढ़ा करके आप देश को एक अच्छी विचारधारा के लोगों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था, इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती है लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे, जो घायल है, जो पीड़ित है, उनके इलाज का इंतजाम करें। और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कल जब मैं लोकसभा में था तो आपके कई साथियों ने सवाल किया था और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तस्वीरें चलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये काम बहुत पुराना है। अभी कम हारे हैं, अगली बार पूरी तरीके से हार जाएंगे तभी सुधरेंगे। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इमरजेंसी हो तो क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए जरूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं, ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है। एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य कैसे बेहतर उसमें लगे रहेंगे तो विभाग को कौन देखेगा। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं, वो पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल विटामिन चाहते हैं उसी के बाद वो स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा, या पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या उसमें से विभाग में से कमी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से विभाग ही ठीक नहीं चल रहा। देखिए जांच क्या चल रही है, आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं अगर उसी पर सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम।
आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आपकी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना, मैंने आप ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा था? जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वार्थ बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुखंडी हट जाए, हम बन जाए, क्यों कहलवाते हो सीधी बात? तो जब खुद ही वो मुखंडी बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुखंडी जी ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको, याद है कि भूल गए आप?